नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 27 अप्रैल थर्सडे यानी गुरुवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। जिनका आज के दिन बर्थडे है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। खूब अच्छे से जन्मदिन को मनाइए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, लेकिन अपनी एनर्जीज को खूब सारा पॉजिटिव रखिए। आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेंगी तो आप खूब अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे अपने बर्थडे को। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए और साथ के साथ इस उपाय को ज़रूर कीजिए जो हम स्पेशली आप ही के लिए लेकर के आते हैं। आज के दिन आपने चने की दाल, इसका आपने दान करना है, लेकिन इसमें 1.25 किलो दाल लेनी है। उसमें कुछ मात्र चुटकी केसर के डाल लेने, और केसर वो डालिएगा जो धागे वाला केसर होता है, यानी लीफ होते हैं पतले पतले, वो केसर ही आपने इसमें डालना है। और साथ के साथ एक हल्दी की गांठ, यानी जो अदरक वाली हल्दी होती है ना, कच्ची हल्दी बोलते हैं उसे, एक गांठ हल्दी की भी उसमें रख लीजिएगा। जहाँ इसे आप मंदिर में भी डाल सकते, दे सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप किसी को दान में भी दे सकते हैं। साथ में मिठाई ज़रूर बांटिएगा, आशीर्वाद लीजिए, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, गुरु रूपी व्यक्तियों का आशीर्वाद लीजिए, घर के सभी बड़े सदस्यों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, मिठाई बांटिए और साथ के साथ इस उपाय को ज़रूर कीजिए। अब बात करेंगे हम गोचर की, ग्रहों की बात करेंगे, राशियों की बात होगी, लकी अक्षर की भी बात होगी, लेकिन पहले बात ग्रहों की करेंगे। सूर्य रहेंगे मेष राशि में, 13 डिग्री के हैं, वक्रीय बुध के साथ यानी रेट्रो बुध के साथ चल रहे हैं, राहु और गुरु भी साथ में हैं। चंद्रमा कर्क यानी कैंसेरियन स्वराशि के चंद्रमा होते हैं, यहाँ पे 6 डिग्री के हैं। मंगल 23 डिग्री के हैं, मिथुन यानी जेमिनी में रहेंगे। बुध मेष राशि में रहेंगे, 20 डिग्री के हैं बुध, लेकिन बुध वक्रीय चल रहे हैं, रेट्रो चल रहे हैं, उच्च के सूर्य और राहु और गुरु के साथ रहेंगे। गुरु 1 डिग्री के हैं, मेष राशि में रहेंगे, उच्च के सूर्य के साथ, वक्रीय बुध के साथ और राहु के साथ रहेंगे। शुक्र वृष राशि में है, 26 डिग्री के रहेंगे। शनि मूल त्रिकोण राशि में है, जो कि उनकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि में रहेंगे, 11 डिग्री के रहेंगे। राहु मेष राशि में, 10 डिग्री के रहेंगे, उच्च के सूर्य के साथ, वक्रीय बुध के साथ और गुरु के साथ रहेंगे। केतु रहेंगे तुला राशि में, रेट्रो हैं, 10 डिग्री के हैं, और राहु और केतु हमेशा वक्रीय चाल यानी रेट्रो ही चलते हैं। तो ये तो हाल था आपके ग्रहों का, गोचर का। अब बात आपके अक्षर की भी होगी। छोटा सा देवीय अक्षर होता है, अगर इसका ढंग से आप प्रयोग करते हैं, सिस्टमेटिकली आप प्रयोग करते हैं, तो ये आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी और ऊर्जा भरता है। तो आप एक छोटे से अक्षर का प्रयोग आपने ज़रूर करना है हर दिन, उससे आपको बहुत फायदा, बहुत लाभ हो सकता है। जल्दी बताएंगे वो कौन सा अक्षर है और कैसे प्रयोग में लाना है, लेकिन पहले बात करेंगे आपकी राशियों की। पहली राशि मेष राशि यानी एरीज की बात करते हैं। एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? चिड़चिड़ापन आपको थोड़ा सा आज के दिन घेर सकता है। किसी से ना उलझिएगा, क्योंकि ये चिड़चिड़ापन के चलते अपनी फ्रस्ट्रेशन आप दूसरों के ऊपर निकाल देंगे तो माहौल बिगड़ सकता है। तो ध्यान रखना है, इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। यात्रा पर आप जाना चाहते हैं, थोड़ा अपने माइंड को पीस करना चाहते हैं, तो जा सकते हैं। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं। अपने जीवन साथी की सलाह लेकर के ही आप किसी भी कार्य को करें। झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ आज के दिन पकड़ा जा सकता है। ज़रूरी काम आज के दिन आप टाल दीजिए। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। अगली राशि मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं। साझेदारी में, पार्टनरशिप में आज के दिन काम शुरू ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। धन का लेन देन आप चाहते हैं करना तो कर सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं।
कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, किसी भी जरूरी काम पर आप जा रहे हैं तो बड़ों की सलाह लेकर के ही जाइएगा। उनके पांव छू करके अगर आशीर्वाद लेकर के जाते हैं तो काम जरूर बन जाएगा। नौकरी में अगर कोई अड़चने आ रही हैं तो खास करके आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, यानी कहीं ना कहीं आपसे चूक हो रही है जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा समय बिताने का प्रयास करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। लियो यानी सिंह की बात करते हैं, यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी अगर खुद चलाते हैं तो बहुत ही ध्यान से ड्राइव कीजिएगा। रिश्तेदारों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, तो ज़्यादा बहस खतरे में पड़ सकते हैं आप, या फिर आपको रिश्तों का नुकसान हो सकता है। अपनी सोच में थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन। गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या की बात करते हैं, अच्छे स्वभाव के चलते आज के दिन आपको कोई नया काम मिल सकता है। किसी के साथ भी आज के दिन, कई बार क्या होता है कि हमारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है तो हमारे अंदर एक गुमान आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो किसी के साथ भी आज के दिन बहस मत कीजिए, वरना ये बहस हो सकता है आपको उल्टी पड़ सकती है। स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम। क्रीम रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। तुला यानी लिब्रा की बात करते हैं, आपकी काबिलियत के चर्चे आज के दिन कहीं कहीं हो सकते हैं, लेकिन इससे आपने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, तो थोड़ा सा अपने मन को और ज़्यादा शांत कर लेना ताकि आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सके। बेवजह किसी से भी आज झगड़े नहीं, किसी के वाद विवाद में घुसे नहीं। खाने पीने को लेकर के थोड़ा सा अटेंटिव रहें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, आज कोई एक अच्छी पर्सनैलिटी इन्हेंस करने का कोई नया सोर्स आपको मिल सकता है। धन का लेन देन सोच समझ करके करें, अपनों का दिल ना दुखाएं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। लाल रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, किसी की बातों में आकर के आज के दिन आपका थोड़ा सा मूड जो है वो कहीं ना कहीं आज परेशान हो सकते हैं, मूड खराब हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा शांत रहेंगे तो कुछ फैसले आप अपने अच्छे ले पाएंगे। बेवजह किसी से ना उलझिएगा। धन का लेन देन आज के दिन टाल दें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन। ब्राउन रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, अचानक धन लाभ हो सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखें। मित्रों से झगड़ा हो सकता है तो कोशिश कीजिएगा बात को बढ़ने ना दें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला। काले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करते हैं, आज के दिन आपको कोई खास धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति के भी मिलने के पूरे पूरे योग हैं। सामाजिक गतिविधियां भी आज के दिन आपकी बढ़ सकती हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी। गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। आपके बॉस को आपने आज के दिन नज़रअंदाज नहीं करना, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनफैक्ट एक अच्छा, एक पॉजिटिव हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास कीजिएगा। यात्रा पर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। धन की डील सूर्यास्त के बाद ना करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी। आसमानी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कल है 28 अप्रैल, शुक्रवार का दिन है और लकी अक्षर है आपका द। द अक्षर का प्रयोग आपने कल के दिन करना है। आपने सफ़ेद चंदन में गंगा जल मिला करके इस अक्षर को आपने किसी भी कागज़ के ऊपर लिख लेना है, और लिखना आपने चंदन और जल से ही। ये अक्षर दिन भर अपने साथ रखिएगा। अगली सुबह इस कागज़ को किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। आपका दिन बेहतर होगा, आपका मन शांत रहेगा, और मन शांत होता है तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य हम कर सकते हैं।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। हर सुबह 6 बजे हम आपके राशिफल के साथ हाजिर होते हैं, कल भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने खूब सारे कमेंट्स ज़रूर डालने कि आपको ये राशिफल कैसा लगता है। तो कल सुबह 6 बजे आप ही के राशिफल के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।